अल्लाम आलकम प्यारे दोस्तों आज मैं अब्दुलरहमान इबन ओफ़ के हालात ज़िंदगी के बारे में रोशनी डालता हूँ उनका नाम अशरा मुबशरा के दस सहाबा कराम में से था और उनका ताल्लुक कबीला बनू जहरा से था इसी कबीले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी ताल्लुक था और इसी ही कबीले से साद इब्ने वकास भी ताल्लुक़ रखते थे और इस वजह से रहमान बिन रजील्लाहु रज़ी अल्लाह के रसूल के खालाजाद लगते थे हज़रत रहमान बिन औफ जब इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल ने आपका नया नाम अब्दुल रहमान रखा क्योंकि जब भी कोई सहाबी इस्लाम के दायरे में दाखिल होते थे और उनके नाम का मतलब गैर इस्लामी या गैर शरी होता था तो अल्लाह का रसूल उनका नाम तब्दील करके इस्लामी नाम रख लेते थे आप गन्नी रंग के लंबे तड़ंगे आदमी थे और आपके लंबे लंबे बाल थे जिसको आप पीछे की तरफ बांधते थे आप रजी अल्लाह हो हज़रत सद्दीक़ रजी अल्लाह हो के हाथों मुसलमान हुए थे नबूत के इब्तदाई दिनों में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रजी अल्लाह तहों ने पाँच आदमियों को मुसलमान किया था ज़ुबैर रजी अल्लाह तहोस्मान तलहा अब्दुलरहमान और साद इबन वकास आपके मुसलमान होने का वाक़ तारीख़ में कुछ इस तरह बयान किया गया है आप पेशे के एतबार से ताजरते और तजारत के सिलसिले में यमन और शाम का सफ़र करते थे एक दफ़ा जब आप यमन के सफ़र पर गए तो वहाँ पर एक यमनी कबीले ने आपको अपने हाथ दावत पर बुलाया इस दावत में एक यमनी ईसाई बुज़ुर्ग भी मौजूद थे उन्होंने आप रजी अल्ला से मक्का के बारे में बातचीत की और फिर कहा कि अनकरीब मक्का में एक पैगंबर मबूस होने वाला है जो लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाएगा एक अल्लाह की इबादत करेगा और लोगों को शर्क से मना करेगा अगर आपकी ज़िंदगी में वो पैगंबर मबूस हुआ तो उस पर ज़रूर ईमान ले आना जब आप सफ़र से वापस आए तो आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तहों से हुई क्योंकि वो आपके करीबी दोस्त थे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तहों ने नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के बारे में जब उनको बताया तो वो फ़ौर ईमान ले आए इसी तरह उनका शुमार शुरू के दस सहाबाक राम में हुआ जो कि अरकम के शुरू होने से पहले ईमान ले आए थे मक्का में उनके हालाती ज़िंदगी के बारे में कुछ ख़ास ज़िक्र नहीं अलबतः इतना जिक्र है कि आप दोनों हिजरतों यानि हबशा और मदीना के हिजरत में शामिल थे हालांकि हबशा को मुसलमानों मुसलमानों ने दो हिजरत किए थे लेकिन आप पहले हिजरत में गए थे और दूसरी दफ़ा हफशा नहीं गए बल्कि मक्का में रुके रहे आपको साहिब हिजरतें भी कहा जाता है क्योंकि आपने दोनों दोनों हिजरतों में हिस्सा लिया सईद इब्न ज़ुबैर जो कि इस्लाम और तबियन के पहले तारीखदान थे लिखते हैं कि अशरा मुबशरा में शामिल अबू बकर, उमर, उस्मान अली ज़ुबैर साद अबन वकास, तलहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ सईद इब्न जैद के बारे में फ़रमाते हैं के दौरान जंग ये तमाम सहाबा कराम फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अल व सल्लम की हिफ़ाजत के लिए उनके आगे हो जाते थे और जब नमाज का वक्त होता था और नमाज के दौरान यहीं सहबा कराम फ़ौर उनके पीछे होते थे मदीना की तरफ़ हिजरत के दौरान आप अपने साथ थोड़ा सा सरमाया ले जाने में कामयाब हुए क्योंकि उस वक़्त बहुत से सहा कराम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिजरत पर निकल पड़े थे मदीना में अल्लाह के रसूल ने एक एक अंसारी और एक एक महाजर को आपस में भाइयों के रिश्ते में बांधा। अब्दुलरहमान बिन औफ को साद इब्न रबी का भाई बनाया साद इब्न रबी अब्दुलरहमान बिन औफ को अपने घर ले गए और कहा कि आप मेरे भाई हैं मैं इस घर में रहता हूं जो कि दो मंजिला है जिसमें मेरी दो बीवियां रहती हैं मैं एक साहिब सरवत और मालदार आदमी हूँ मैं चाहता हूँ कि अपना तमाम माल और इसबाब आपके साथ बराबर तकसीम करूँ मेरी दो बीवियाँ हैं उनमें से तुम एक को मुंतखब कर लो उसको मैं तलाक दे दूँगा और इद्दत पूरी करने के बाद तुम उससे निकाह कर लो और इसी तरह मेरा तमाम माल और दौलत भी आधा तुम्हारा होगा अब्दुलरम बिन ओफ़ ने सद रबी रज़ी अल्लाह शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह आपके माल और दौलत और बीवी बच्चों में बरकत दे। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं मैं आपसे सिर्फ़ यह चाहता हूँ कि आप मुझे मार्केट का रास्ता बताएँ ताकि मैं उस मंडी जाकर कुछ अपना कारोबार वग़ैरह शुरू करूं और इस तरह आपने मार्केट जाकर छोटा मोटा तिजारत शुरू किया और शाम को अपने साथ खजूर आटा और मक्खन वग़ैरह लेकर आते थे और अपने लिए खाना वगैरह तैयार करते थे इस तरह कुछ बचाते थे और कुछ खर्च करते थे जल्द ही कुछ सरमाया उनके हाथ लगा यानी काफ़ी बचत हो गई मदीना में तकरीबन एक साल बाद एक दिन जब आप मस्जिद तशरीफ़ लाए तो आपने अतर लगाया था उस जमाने में अतर बहुत ख़ास और कीमती सनफ़ गिनी जाती थी आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और बहुत ही ख़ास मौक़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान आज क्या ख़ास बात है कि आपने अतर भी लगाया है और खुश खुश भी नज़र आ रहे हैं आप रजी अल्लाह तनों ने जवाब में फरमाया कि या रसोल्ला आज मैंने एक अनसार औरत से निकाह बांधा है और शादी कर ली है नबी आसम ने पूछा कि मेहर में क्या दिया आप रजी अल्लाह तन ने फरमाया कि खजूर के दाने के बराबर सोना मेहर में दिया जिस पर नबी आसम ने कहा कि तुम अब एक वलीमा यानी दावत कर दो बेशक इस वलीमे में सिर्फ एक बकरी को जबा करना ताकि लोगों को पता चले कि आपने निका बांधा है और आपकी शादी हो गई है हजरात उस दिन से लेकर आज तक जो मुसलमान भी रिश्ते आज़वाज़ में बनता है तो वलीमा की दावत ज़रूर करता है क्योंकि ये एक सनत रसूल है बहरहाल इसी तरह आप खरीदो फरोख्त करते रहे कारोबार करते रहे और बहुत जल्द आपका नाम मालदार सहाबा कराम के लिस्ट में शामिल हुआ बल्कि एक दफ़ा आपने फ़रमाया कि मेरे कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अगर मैं कोई भी पत्थर ज़मीन से उठाऊँ तो इसके नीचे सोना या चांदी निकल आएगा उनका मतलब ये था कि मैं जो भी कारोबार या लेन देन करूँ अल्लाह इसमें बेानतहा मुनाफ़ा दे देता है जंग उहद में उनका नबी के साथ देना और उनके हिफाजत के वाकयात तफसीला मौजूद हैं आप अल्लाह के रसूल के साथ आखिरी वक्त तक कड़े रहे आपके जिसम पर तकरीबन बीस किस्म के मुख्तु ज़ख़म लगे थे जिसमें तिरों तलवारों और बर्चों के ज़ख़म आए थे जिसकी वजह से आखिरी उम्र तक आप लंगड़ा कर चलते थे इसके अलावा जब अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक में तीर लगा तो उसको निकालने के लिए आपने अपने दांतों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपके अगले दो दांत भी गिर गए थे वैसे तो आपने और अशरमुबशरक साहबा कराम की तरह तमाम जंगों में हिस्सा लिया था अलबत उनके एक गजबे के बारे में ज़िक्र ज़रूरी है हिजरत के पाँचवें साल के दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने उनको एक ग़बे पर भेजा और उनको उसका सिपहसालार सालार किया। किया फ़ौज दोमतुल जंदल कबीले पर हमला करने के लिए भेजा गया था और इसमें तकरीबन तीन सौ सहाबा कराम का लश्कर मौजूद था अल्लाह के रसूल ने उनको ज़रूरी हिदायत दी और नसीहतें भी की कि दुश्मनों से कैसा सलूक रवा रखा जाए और उस वक़्त उनके सर पर ज़र्द रंग का अमामा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़र्द रंग की पगड़ी उतारकर उनको काले रंग की पगड़ी अपने हाथ से बांध कर दे दी और कहा कि तमाम वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें और इस्तिग़फार पढ़ते रहिए कि अल्लाह आपको इस जंग में कामयाब और कामरान करे और साथ ये भी कहा कि जब इस कबीले दोमतुल जुंदल पर पा लो तो उसके सरदार की बेटी से निकाह बांध लेना जब रहमान अब्दुलरहमान रजी अल्लाह तुने उस कबीले पर हमला किया और तीन दिन तक उनका मुहासरा रखा और इस दौरान उनको दावत इस्लाम भी दिया तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद आपने उनके सरदार से उनके बेटी का रिश्ता मांगा और उस से शादी करके आप मदीना वापस अपनी जोजा के साथ आए और इस जगह ये बात भी वादा कर दूँ कि इस रिश्ते से आपका बेटा अबूसलमा रज़ील्ला पैदा हुए जिन्होंने बाद में इस्लाम के फ्कहा में एक नामवर मुकाम पैदा किया और मदीना के गवर्नर भी मुकर हुए और आपका नाम उन सात फुकहा में शामिल था जिनको लोग फुकाय सबा यानी मदीना के सात फुकहा के टोले के नाम से पुकारते थे अब्दुलरहमान बिन ऑफ हजरत अबूबकर सदी रजी अल्लाह तन हज़रत उमर रजी अल्लाह तन और हज़रत ओस्मान रजी अल्लाह तु के खिलाफत के दौरान आप उनके मशीर थे, यानी उनके एडवाइजर के तौर पर उनके साथ रहे और उनको हर मामले में मशवरे देते रहे 18 हिजरी में शाम में ताउन की बीमारी फैली जिसकी वजह से बेानतहा अमवा हुई इस दौरान उमर इब्ने ख़ताब रजी अल्लाह तू ने अपने खुद में कहा कि मैं शाम जा रहा हूँ अगर मेरा मरना ताउन से लिखा है तो मैं वहीं पर फोत हो जाऊंगा और अगर नहीं तो वापस आ जाऊंगा मैं बहरहाल वहां जाना चाहता हूं जब अब्दुलरहमान बिन ओफ़ ने यह सुना तो उन्होंने हजरत उमर हज़रतमर को कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था कि जब किसी जगह पर ताऊन या कोई वबाई मर्ज हो तो उस जगह या शहर आपने नहीं जाना और अगर आपके शहर या अपने इलाके में ताउन या कोई वबाई मरस फैल चुका है तो आपको चाहिए कि इस शहर को या उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह हिजरत या सफ़र ना करें और उस जगह को ना छोड़ें इस हदीस को सुनकर उमर रजी अल्लाह तनों ने सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया तो इस हिजरी में उ महातुलमुमिन ने उमर रजी अल्लाह तनों से दरख्वास्त की कि वो हज पर जाना चाहते हैं तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तहु ने उनके काफ़िले की निगाहानी और उनके ज़रूरियात का ख़्याल रखने के लिए हज़रत ओस्मान रजी अल्लाह तन और हज़रत अब्दुररमान बिन ओफ़ रजी अल्लाह तनों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी क्योंकि उम महातमिन के सफ़र और हज के लवाजमात के लिए बहुत से इकदाम की ज़रूरत थी जो कि आम लोगों पर लागू नहीं थी तो इस वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह तू ने उनको इस कारान को संभालने और निगरानी के लिए साथ रवाना किया और इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तहो काफले के शुरू में थे और आप हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ काफले के पिछले हिस्से की निगरानी करते हुए हज पर तशरीफ ले गए हजरत उमर रजी अल्लाह तहु ने वफा से पहले छः बंदों का शूरा बनाया कि वो फैसला करे कि किस को अमीरमिन मंतब करे। जब शूरा पहले दिन बैठा तो तमाम साहब कराम खामोश थे कि किस तरीके से खलीफा का इंतख्य किया जाए उस वक़्त हजरत अब्दुलरहमान बिन ओफ थे जिन्होंने इस मुश्किल मरहले को बड़े आसन और खूबसूरत तरीके से नभाया उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को कहा कि हम पहले काम ये करते हैं कि इस शुरा को आधा करते हैं यानी निसफ हिस्से में तकसीम करते हैं और इसका तरीका ये है कि हम में से हर एक अपने एक बंदी के लिए दस्तबरदार हो जाए तो इसी तरह उम्मीदवारों की तादाद तीन रह जाएगी और फिर इसी तरह ही तलहा तलह रजील् तै स्मान रजी अल्लाह तहो के हक़ में दस्तबरदार हो गए ज़ुबैर इबन आवाम अली रजी अल्लाह तालो के हक में और साद इबन वकास ने नेज़रत अब्दुलरहमान बिन ओफ़ को मंतखब किया और उनके हक में दस्तबरदार हो गए अब उम्मीदवारों में सिर्फ तीन साहब कराम रह गए हज़रत स्स्मान रजी अल्लाह तनो हज़रतली रजी अल्लाह तन हो और हज़रत अब्दुलरम बिन औफ रज़ी अल्लाह तह जब तीन अशासास्त मैदान में रह गए तो उस वक़्त अब्दुलरमान बिन ऑफ ने हज़रतली रजी अल्लाह तैन और उस्मान रजी अल्लाह तू को मुखातिब होकर कहा कि मैं अगर इस पोजीशन से बरदार हो जाऊँ तो आप दोनों मुझे इस बात की इजाज़त देंगे कि आप दोनों में से किसी एक एक को खलीफा मंतखब करूँ और इस फैसले पर आप दोनों को कोई इतराज़ नहीं होगा इस पर हज़रतली रज़ी अल्लाह तन ने फरमाया कि आपकी सच्चाई आसमान और ज़मीन दोनों जगहों पर यकीन और महक्म है कि आप जो कुछ फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा और इसी तरह हजरत उस्मान जरतमान रजीर भी कहा कि मुझे आपका फैसला मंजूर है और होगा इसके बाद तीन दिन और तीन रातें लगातार अब्दुलरहमान बिन ऑफ मदीना में तमाम असहाबा सहााम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और मदीना में बच्चों और औरतों से मुलाकात की और उनसे खलीफा के चुनाव के बारे में बातचीत की और उनके राय सुनी चुनाव के आखिरी दिन आप पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तन के घर गए उनके पास चंद घंटे रहे और किसी को पता नहीं कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह त से क्या बातचीत की और उनको खलीफा के चुनाव के बारे में क्या बताया उसके बाद आप हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह तह के घर तशरीफ़ ले गए उनके साथ बातचीत की और फिर दूसरे दिन सुबह आपने ऐलान किया कि मैंने मदीना में हर एक की राय ली और सबका मुतफ़ का फ़ैसला इस वक़्त उस्मान रजी अल्लाह तहों के हक़ में हुआ है इसलिए मैं हज़रत स्मान रजी अल्लाह तह के खिलाफ का अलान करता हूँ और हज़रतली रज़ी अल्लाह तह पहले शख़्स थे जिन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तह के हाथ पे बैत की और इसके बाद और अशासा ने आपके हाथ पर बैत की अज़ीज़ दोस्तों अब वो चंद खसूस वाक़ बयान करता हूँ जिसकी वजह से अब्दाल इबिनि ओफ को बहुत से सहाबा कराम पर अल्लाह ने फोकियत दी थी अदरत उस्मान रज़ी अल्लाह तू के खिलाफ़त के दौरान आप अमीर हज़ मुकर्रर्रर हुए हज कारवान के साथ मक्का गए और औरफात में खुतबा दिया आप रज़ी अल्लाह तू वो एक सहाबी है जिनके इमामत के पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुक़म्मल नमाज पढ़ी वाक्य कुछ इस तरह था कि जब इस्लामी लश्कर जंगी तबूक के लिए तबूक के मुकाम पर खैमज़न हुए तो वहाँ पर उन्होंने तकरीबन तीस दिन तक पड़ाव डाले रखा लेकिन रोम और बन, गसान भाग गए और मुकाबले के लिए नहीं आए एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम और अलमुग़ी रज़ी अल्लाह तु फजर की नमाज से पहले लश्कर लश्कर से बाहर जंगल में अपने जरूरत के लिए तशरीफ ले गए और उन्होंने वहां पर देर कर दी इस दौरान सुबह होने और सुबह की नमाज़ कज़ा होने का इम्कान होने लगा और नबी साम और इबन शबा रजी अल्लाह तहों का कोई पता नहीं चल रहा था तो हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तहों ने अब्दुलरमान बिन ओफ़ को कहा कि आप नमाज के लिए इमामत करें जिस पर आपने इमामत शुरू की इस दौरान पहली रकात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल् और अल-मुग़ीरा रजी अल्लाह अन्हु वापस आ गए उन्होंने सर्दी की वजह से अपने चेहरे चुपाए थे और अंधेरे की वजह से सहबा कराम को पता ना चला कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए हैं नबी अलैहिस्सलाम और मुग़ीरा रजी अल्लाह तह दोनों पिछले सफ़ में कड़े होकर जुमात के साथ उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू की जब नमाज़ ख़त्म हुई तो नबी सलाम और म़िया रज़ी अल्लाह तू दोनों दूसरी रकात पूरी करने के लिए कड़े हुए क्योंकि एक रकात उनसे छूट गई थी नमाज़ ख़त्म होने के बाद हाबा कराम को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल नमाज के दौरान वापस तशरीफ़ लाए थे जिस पर तमाम मजमे पर सन्नाटा चाह गया कि अब अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे और उनका रदल क्या होगा और जब अल्लाह के रसूल ने नमाज ख़त्म की तो उन्होंने अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह तार को मुखातिब करके कहा कि आपने सही किया कि वक्त पर नमाज शुरू की उम्मे सलमा अनहा से रिवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु सलील वसल्लम अपने अजवाज को कहा कि मेरे फोत होने के बाद जो सहाबी आपका बहुत ख्याल रखेगा वो बहुत नेक दिल रहामदिल साद और अमीन सहाबी होगा उनका इशारा उस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की तरफ़ था इसी तरह एक हदीस में आया है कि नबी करीम अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक मौके पर फ़रमाया कि ए अल्लाह रहमान बिन औफ़ को जन्नत के तालाब सलसबील से पानी पिला इसी वजह से आप उम्मात मुस्लिम का बेहद ख़्याल रखते थे और हर मौके पर कीमती तोहफे तहफ़ उनके नज़र करते थे और उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखते थे एक दफ़ा आपने बेानतहा खूबसूरत और कीमती तहफ़ तमाम उमहत के यहाँ भिजवाई जब हज़रत आश रज़ील्ल्ला तह ने पूछा कि किसने ये तहइफ़ भेजी हैं तो उनको बताया गया कि ये तइफ़ हज़रत अब्दुलरमान बिन ओफ़ की तरफ से है तो उन्होंने कहा कि याब्दुरहमान बिन ओफ़ को जन्नत के तालाब सलसबील से शरबत पिला क्योंकि हज़रत आशिया रज़ी तह ने यह हदीस नबी नबीम से सुनी थी हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ़ का शुमार चंद बहुत जैद और मालदार दौलतमंदबा कराम में होता था लेकिन उन्होंने तमाम ज़िंदगी बड़ी सादगी से बसर की एक दफ़ा आपका रोज़ा था तो खुदाम उनके लिए अफतारी लेकर आए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें थीं जब आपने उन खुराकों को और उन तमाम को देखा तो रोने लगे और कहा कि जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो उनके लिए मुकम्मल कफ़न का टुकड़ा तक नहीं था कि उनको उसमें दफन करते और इस तरह जब मज़हब रज़ी अल्लाह अन्हु फोत हुए तो उनका कफ़न उनकी कमीज़ थी और मुझे देखिए कि मेरे पास इतना कुछ है और मैं इतनी आ, आसान जिंदगी गुजार रहा हूँ इसका मतलब है कि अल्लाह मेरे इबादात और अच्छाइयों के सिला इस दुनिया में देना चाहता है और दे रहा है और फिर आखिरत में मेरे पास कुछ नहीं होगा उस वक़्त मैं क्या करूँगा इसी तरह दूसरी जगह रिवायत है कि आपके सामने खाने के लिए गोश्त और रोटी लाई गई तो आप रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह के रसूल और उनके अजवाज मतहरत ने ज़िंदगी में कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया और मैं इस दुनिया में पेट भर कर खा रहा हूँ इसका मतलब है कि आखिर रत में मेरे पास कुछ नहीं होगा और मैं खुसारे में रहूँगा उनके पास बेानतहा दौलत थी लेकिन उनके रहन सहन से किसी जगह और किसी मौके पर मालूम नहीं होता था कि आप इस कदर दौलतमंद हैं जब आप फोत हुए तो वरासत में आपने तकरीबन एक हज़ार ऊन छोड़े और ये उस वक़्त की बात है कि लोगों के पास एक ऊंट भी नहीं होता था हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां और मवेशी उनकी जायदाद में शामिल थी उनकी चार बीवियाँ थीं और हर एक बीवी के हिस्से में अस्सी हज़ार दरहम वरासत उनको मिली इसके अलावा उन्होंने हर एक बदरी साहबी को सोने के सिक्के और हर एक उम मुस्लिमीन को चार सौ सो सोने के सिक्के दिए ये सब उन्होंने मरने से पहले अपनी वसीयत में कहे थे इन के इस दौलत के तकसीम से उनके खजाने का अंदाज़ा लाए लगाया जा सकता है कि वो कितने बड़े खजाने के मालिक थे हज़रत अब्दुलरहमान बिन ऑफ जंग बदर के बारे में एक वाक़ बयान करते हैं फरमाते हैं कि जंग बदर के मकाम पर जंग शुरू होने से पहले हम जब हम एक सफ़ में कड़े हो गए थे उस वक्त जब मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो अंसार का एक बच्चा मेरे साथ कड़ा था और जब मैंने बाएं तरफ नजर दौड़ाई तो उधर भी एक बच्चा कड़ा था मैंने दिल में सोचा कि काश मेरे दोनों तरफ कुछ जवान होते तो कुछ अच्छा ही नजारा होता कि अचानक एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि चचा आप अबू जहेल को पहचानते हैं मैंने कहा हाँ क्यों नहीं लेकिन आखिर आपका उसके साथ क्या काम है और उसके बारे में आप क्यों पूछना चाहते हैं उन्होंने जवाब दिया कि हमने सुना कि उसने नबी करीम सल्ला वसल्लम के ख़िलाफ़ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मैं इस जगह अल्लाह का कसम उठाता हूँ कि जब तक मेरा साया मेरे साथ होगा मैं उसको कत्ल कर दूँगा और या वो मुझे कत्ल कर दे और इस तरह कुछ देर बाद दूसरे बच्चे ने भी मुझसे यही सवाल किया और उसने भी यही जवाब में कहा जंग के दौरान मैंने उन दोनों को अबू जहल की तरफ इशारा करके कहा कि वो है अबू जहल जिसके बारे में आप पूछ रहे थे दोनों ने अबू जहल की तरफ दौड़ लगाई उसको चंद लम्हों में कत्ल किया उसके पाँव पर वार किया और उसको घोड़े से नीचे गिरा कर जहन्नम रसीद करने के बाद चल्लाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े कि मैंने अबू जहल कत्ल किया और दूसरा कह रहा था कि नहीं मैंने उसको कत्ल किया और आपस में लड़ने लगे और चीखने लगे और अल्लाह के रसूल की तरफ पहुँचे जिस पर अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आया आपने अपनी तलवारें खून से साफ की हैं या नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मना करने पर दोनों की तलवारों पर खून के दब्बे थे जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि आप दोनों ने उसको कत्ल किया आप तकरीबन पचहत्तर साल की उम्र में फ़ितने खिलाफत से पहले और हजरत ऊस्मान रज़ी अल्लाह त के खिलाफत के दौरान फोत हुए आपका नमाजी जनाजा हजरत उस्मान रजी अल्लाह और एहतराम आपके जनाजे के अगले दोने दोनों पाओं को साद इब्ने अबी वकास ने पकड़े थे आपको मदीना में बकिया अलगरकत में दफन किया गया प्यारे दोस्तों ये थे हमारे प्यारे नबी के सहाबा कराम जिन्होंने अपनी जान और माल सब कुछ अल्लाह के राम में कुर्बान किया था अल्लाह हमें उनके रासों पर चलने की तोफीक दे मेहरबानी फरमा कर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें इस तरह बहुत से मुसलमान भाई इससे मुस्तफीद होंगे और अल्लाह हमें इस नेक काम को पैलाने की तोफीक दे आमीन सुमा आमीन